सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ मिली हार के लिए बल्लेबाजों को जिम्मेदार ठहराया है। पहले मैच में श्रीलंका के गेंदबाजों के सामने 112 रनों पर ही टीम इंडिया ढेर हो गई। उसकी यह स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती थी अगर महेंद्र सिंह धोनी 65 रनों की पारी ना खेलते। रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो ऐसा कई सालों से करते आ रहे हैं, वो जानते हैं कि इस तरह की स्थिति में क्या करना चाहिए। किसी ने धोनी का साथ दिया होता तो बड़ा अंतर पैदा कर सकते थे धोनी। वो जिस तरह से खेल रहे थे उसे देखकर मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि धोनी ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं। रोहित ने कहा कि दो मैच और बचे हैं, लेकिन हम आज स्तरीय नहीं खेल रहे हैं। स्कोरबोर्ड पर कम रन थे, हमारे गेंदबाज मैदान पर उतरे और वो किया जो वो कर सकते थे। हमारे पास अगर 70-80 रन और होते तो मैच हमारे हाथ में हो सकता था। उन्होंने कहा कि जब हम गेंदबाजी कर रहे थे तब पिच में मदद थी, लेकिन 113 रन काफी नहीं थे। रोहित ने अपनी टीम के बल्लेबाजों से खराब प्रदर्शन से सीखने को कहा है। अब हमें एक टीम के तौर पर अच्छा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कप्तान के तौर पर पहला मैच हार कर अच्छा नहीं लगता, हार किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हमें अगले दो मैचों में अच्छा करने की जरूरत है और उम्मीद है कि टीम इंडिया अच्छा करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यहीं मिलेंगी।